हाँ तो फाइनली दोस्तों वीवो ने आज अपना मच अवेटेड स्मार्टफोन वीवो V25 Pro को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 36,000 की रेंज में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है और प्राइस के हिसाब से स्मार्टफोन मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां पे हमें इस प्राइस पे बाकी फोन में स्नैपड्रैगन 888+ एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, वहीं वीवो यहां पे डायमेंसिटी 1300 चिपसेट के साथ आया है, जो कि अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। अगर हम इसे इसके प्रीवियस मॉडल वीवो V23 Pro से कंपेयर करते हैं तो यहां पे काफी सारी चीजें अपग्रेड करी गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस फोन को परचेस करने पे यहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। गाइज अगर आप लोग इस फोन को लेने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस फोन में मेरे को दो ऐसी प्रॉब्लम नजर आई है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको वीवो V25 Pro के रिगार्डिंग सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलता है, किस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च हुआ है, कौन कौन से बैंक के ऊपर ऑफर्स दिए गए हैं, इसके अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं और इस वाले फोन में हमें किन किन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। पहले दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस यहां पे 6.56 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 1300 नीट्स का पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है और HDR10+ का भी सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। सामने की तरफ यहां पे कर्व्ड स्क्रीन दी गई है, सेंटर में पंच होल का कटआउट है जिसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहां पे 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जिसमें OIS का सपोर्ट दिया गया है। दूसरा यहां पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है एंड तीसरा कैमरा यहां पे 2 मेगापिक्सल के दिए गए, जो कि एक माइक्रो सेंसर है। 4830 mAh की यहां पे बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का यहां पे सपोर्ट भी दिया गया है। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, फनटच OS 12.1 के ऊपर रन करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट यहां पे दिया गया है। 5G फोन है तो यहां पे 8 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं। कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट दिया गया है, वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट यहां पे देखने को मिलता है और फिजिकल रैम के साथ-साथ यहां पे 8GB तक का वर्चुअल रैम भी दिया गया है। अब लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहां पे MediaTek Dimensity 1300 का चिपसेट लगा है, LPDDR4X के यहां पे रैम दिए गए हैं एंड UFS 3.1 के स्टोरेज टाइप देखने को मिलते हैं। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में। तो गाइस इसे 8GB 128GB एंड 12GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल में लॉन्च किया गया है। बेस मॉडल की प्राइस 35999 एंड सेकंड मॉडल की प्राइस 39999 रखी गई है, मतलब 36,000 and 40,000 रुपए का ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। और अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो इस वाले फोन में आपको 3,500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सचेंज करने लायक अगर आपके पास कोई फोन है तो यहाँ पे 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है, मतलब टोटल इस वाले फोन में 6,500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। अगर ऑफर्स लगा के आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो बेझिझक आप इस फोन को ले सकते हो, प्री बुकिंग स्टार्ट है। लेकिन अगर आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है, एक्सचेंज करने लायक कोई फोन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहने के दो रीजन है। सबसे पहले रीजन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट के साथ आता है, जहां पे दोस्तों 36,000 to 40,000 की रेंज में बाकी फोन स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है, MediaTek Dimensity 8100 वाला प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे भी वो MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट के साथ आया है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज इस प्राइस पे एक्सेप्ट करने लायक है या फिर नहीं। Dimensity 1200 हमें इसके प्रीवियस मॉडल Vivo V23 Pro में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अगर आप इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करते हो तो परफॉर्मेंस वाइज यहां पे कुछ भी चीजें चेंज देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट Dimensity 1200 1300 से बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है। अगर आप Vivo V23 Pro से कंटिन्यू एक घंटे गेमिंग करते हो तो यहां पे आपको हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो Vivo अगर इससे पावरफुल चिपसेट के साथ ये फोन लॉन्च करती तो बहुत अच्छा होता। दूसरी जो प्रॉब्लम मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके स्पीकर में, क्योंकि यहाँ पे मोनो स्पीकर दिया गया है, जहाँ पे Infinix, Techno या फिर Motorola जैसी कंपनी हमें 10,000 to 11,000 के नीचे स्टूडियो स्पीकर प्रोवाइड करता है, वहां पे Vivo 35,000 to 40,000 रुपए खर्च करवाने के बाद भी सिंगल स्पीकर दे रही है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है या फिर नहीं। आपके हिसाब से हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी, यहाँ पे Vivo को स्टूडियो स्पीकर देना चाहिए था। तो इस वाले फोन में आपको यही दो बड़ी प्रॉब्लम नजर आई है जिनको लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसके कैमरा सेटअप को भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन इसके कैमरे में इसके प्रीवियस मॉडल से बहुत सारी चीजें अपग्रेड करी गई है और भर भर के यहाँ पे फीचर्स भी दिए गए, तो ये चीज ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो गाइस अगर आपके पास कार्ड है या फिर एक्सचेंज करने लायक फोन है तो आप इस फोन को बेझिझक परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है या फिर कार्ड वगैरह नहीं है तो इसकी जगह पे आप Aquanews 6 परचेस कर सकते हो, Poco F4 5G भी ले सकते हो या
या फिर OnePlus Nord 2T भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आप चाहो तो iQOO 9SE भी परचेस कर सकते हो। ये चारों स्मार्टफोन अपनी प्राइस के हिसाब से अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।